नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज दिन है 3 मई 2024। तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो नए ब्लॉग में। हमारा आज का वीडियो है नैनीताल शहर से नज़दीक कालाडूंगी शहर पे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का ब्लॉग। नैनीताल से कालाडूंगी की दूरी लगभग 34 किलोमीटर दूरी है और हल्द्वानी से कालाडूंगी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की दूरी है और रामनगर की दूरी लगभग 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर स्थित है। तो अगर आप दिल्ली से नैनीताल के लिए आते हैं तो आप या तो पहले रामनगर आते हैं या फिर हल्द्वानी आते हैं और वहाँ से आसानी से हम कालाडूंगी शहर पहुँच सकते हैं। कालाडूंगी फेमस है अपने जिम कॉर्बेट संग्रहालय के लिए और उसी के पास में ही स्थित है जिम कॉर्बेट फॉल, जो कि घने जंगलों के बीच में स्थित है। तो अभी हम जा रहे हैं नैनीताल रोड पे कालाडूंगी के लिए। मैंने नैनीताल से कालाडूंगी तक का रोड टूर का पूरा वीडियो बना रखा है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने उसे एक अलग से सेपरेट वीडियो में रख रखा है। तो अब जानते हैं कुछ हिस्ट्री कालाडूंगी शहर के बारे में। कालाडूंगी साल 1915 के समय एक आदर्श गांव के रूप में सामने आया जब महान हंटर जिम कॉर्बेट 221 एकड़ ज़मीन पर एक छोटी हल्द्वानी को बसाया। 1915 के समय 10 से 15 परिवार यहां बसने लगे, जिन्होंने यहां कृषि और सिंचाई की करके अपनी आजीविका को शुरू किया। कालाडूंगी का नाम कालाडूंगी इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे बहुतायत में मिलने वाले काला पत्थर था। पहाड़ी भाषा में पत्थर को ढूंग कहा जाता है, इसी वजह से काले पत्थर के नाम पर इस जगह का नाम कालाडूंगी पड़ा। भले ही कालाडूंगी 1915 में बसा हो लेकिन अंग्रेजों ने सन 1860 में एक यहाँ पर आयरन की कंपनी स्टार्ट कर दी थी, जहाँ वे भारतीय मजदूरों के साथ मिलकर लोहा बनाने का कार्य करते थे और यहाँ से बने लोहे को वो हल्द्वानी और नैनीताल में निर्यात करते थे। आज के समय में कालाडूंगी की पॉपुलेशन लगभग 15 से 18 हज़ार की है, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 7 हज़ार के लगभग थी। महान हंटर जिम कॉर्बेट का भी घर यहीं पे है, आज वो एक म्यूजियम में बदल चुका है। आप उनके म्यूजियम बने घर को देख सकते हैं, वहाँ पे उनकी पूरी हिस्ट्री आपको दिख जाती है कि वो कौन थे और क्यों खास थे। कालाडूंगी चौराहे से आपको आराम से हल्द्वानी के लिए, रामनगर के लिए, काशीपुर के लिए, बाजपुर के लिए बसें मिल जाती हैं। कालाडूंगी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी फल फ्रूट और सब्जियाँ उगती हैं। कालाडूंगी काफ़ी सस्ता शहर है, यहाँ पे लोकल्स के लिए यानी कि आसपास के गांव के लोगों के लिए मार्केट काफ़ी सस्ता पड़ता है बजाय नैनीताल के, क्योंकि नैनीताल में काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं और वहाँ की चीज़ें काफ़ी महंगी हो पड़ती हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कालाडूंगी मार्केट के अंदर, क्योंकि सुबह हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे जिसकी वजह से अभी यहाँ पर सारी दुकानें खुली हुई नहीं दिख रही है। यहाँ की मार्केट कम से कम 9 से 10 बजे के बाद ओपन होती है। यहाँ पर हमें सारी दुकानें मिल जाती हैं, हमें अपनी ज़रूरत का सारा सामान हमें यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि सुबह का समय है इसलिए दुकानें अभी सही से खुली नहीं है। मैंने दिन का वीडियो बना रखा है जहाँ पे कि ये सारी दुकानें खुल गई है, थोड़ी देर में आप वो भी देख पाएंगे। कालाडूंगी की मार्केट काफ़ी छोटी है मगर ये हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, बाजपुर के सेंटर में है, इसकी वजह से इसकी महत्वता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी हम और आप देख पा रहे हैं कालाडूंगी की गलियां। इसमें मेनली 2-3 बड़ी बड़ी गलियां हैं और बाकी छोटी छोटी गलियां हैं और एक चौराहा है, लेकिन छोटी मार्केट होने के बावजूद भी यहां पे हमें ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कालाडूंगी के मेन चौराहे पर एक सब्ज़ी की मंडी भी लगती है जहाँ पर लोकल के लोग सब्जी ले कर जाते हैं। ये मंडी सुबह से के 6 बजे से लगभग 8-9 बजे तक चलती है। तो अभी आप और हम देख रहे हैं कालाडूंगी के शाम का व्यू जहाँ पे कि सारी मार्केट खुल चुकी है और ये है मेन चौराहा कालाडूंगी का। तो
अभी आप जो रोड देख रहे हैं ये सीधे हल्द्वानी के लिए जा रही है। कालाडूंगी नैनीताल जनपद की 8 तहसीलों में से एक है। कालाडूंगी जिम कॉर्बेट का शीतकालीन अवकाश भी था। तो अभी हम और आप जो रोड देख रहे हैं वो सीधे हल्द्वानी के लिए जा रहा है और बीच में है कालाडूंगी का मेन चौराहा, और दूसरी साइड को जो रोड जा रही है वो सीधे रामनगर बाजपुर काशीपुर के लिए जा रही है और आगे से नैनीताल और कोटाबाग के लिए भी मुड़ती है। जैसा कि आप सामने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, कालाडूंगी पर्वतीय ढालों के अंत में स्थित एक नगर है जो कि नैनीताल की कठोर सर्दियों से बचने का उपयुक्त स्थान है, क्योंकि यहाँ की जलवायु तराई के इलाकों के भांति उष्ण है। खेती हेतु पर्याप्त जमीन है और चारों ओर घने जंगल हैं जो विभिन्न वन जीवों से भरे हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कालाडूंगी के मेन मार्केट के अंदर। ये रोड अंदर मेन मार्केट की ओर जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, कपड़ों की सैलून से हैं और आगे फ्रूट्स की दुकान है। तो लगभग सभी चीज़ें हमें इस मार्केट में मिल जाती हैं और यहाँ से कट जाती है दूसरी मेन गली जो कि हमें मार्केट के अंदर ले जाती है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने नहीं किया है तो आप लोग भी कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।